आज मैंने किचन के लिए कुछ शॉपिंग की हुई है और ये कोई वायरल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मैंने अपने ज़रूरत के अनुसार और यूज़ के अनुसार मैंने इन्हें मंगवाया है और ये कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं ये भी मैं शेयर करूँगी और आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं ये भी बताऊँगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से मंगवाए हैं, आप चाहें तो इन्हें अमेजन से भी ले सकते हैं। वैसे मैं सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ही मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, तो ये है गार्लिक मैसर या फिर आप इसे गार्लिक क्रशर भी बोल सकते हैं। इसे मैं जनरली देखती रहती थी, आज मैंने इसे फाइनली मंगवा लिया है। चलिए अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। वैसे ये स्टडी दिख रही है काफ़ी, तो मैंने एक बार में यहाँ पर 4-5 गार्लिक ऐड मतलब रखा और इसे क्रश करना शुरू किया तो ये हो नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद एक एक करके करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक डाला और इसे मैंने क्रश किया तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्रश हो रहा था इस तरह से, लेकिन 4-5 लहसुन की कलियाँ एक साथ क्रश नहीं हो रही थी। तो अब देखिए यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ तो एक साइड से ये मतलब उतना भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो रहा था, मोटे मोटे क्लब्स ही आ रहे थे इससे भी। तो इधर जो दूसरे साइड था ना उसमें कुछ बड़े बड़े पीसेस भी रह गए थे, वो अच्छे से क्रश नहीं हो पाए थे। और ये जो ग्रेटर होता है ना ये भी सेम काम ही करता है, तो आप चाहें तो ये ग्रेटर ही लें क्योंकि इससे मल्टीपर्पज़ काम होते हैं, आप कैरेट वगैरह भी ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्रशर से आप सिर्फ गार्लिक क्रश कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से नहीं हुआ मुझसे। और देखिए इसमें कुछ बड़े बड़े पीसेस भी यहाँ पर ये दिख रहे थे, ये अच्छे से फाइनली नहीं हुए। तो मुझे तो ये कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि इसे सिर्फ गार्लिक ही क्रश हो रहा है और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं, तो ग्रेटर ज़्यादा बेस्ट है इससे। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है और मैं जनरली देखती रहती थी, तो आज मैंने भी इसे फाइनली मंगवा लिया है। और ये है एक तरह का पिलर जिसके साथ एक हुक भी आई है शायद हैंग करने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से पिलर दिख रहा है और इसके दो साइड में ब्लेड लगे हुए हैं, तो ये स्टील की बनी हुई है और इसके साइड एक तरफ दांत लगी हुई है जिससे कि हम मतलब जो सैलेड होता है ना उससे लंबे लंबे लच्छे निकलते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो लच्छे हैं वो निकाल रही हूँ मैं, और ये मैंने ककड़ी ली हुई है और कैरेट लिया है तो मैं इसी से इसकी टेस्टिंग करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर जो पिलर है ना बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे लिए तो, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से कैरेट वगैरह मतलब ग्रेट करके आप चाउमीन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या फिर सैलेड के लिए, तो ये एकदम परफेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर ये जो दूसरा साइड है उससे भी मैं यहाँ पर ग्रेट करके दिखाती हूँ, कैरेट मतलब पील करके दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो लौकी ही पील कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से पील हो रहा था, लौकी भी यहाँ पर बहुत ही स्मूथली। तो मुझे तो ये मतलब प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, इसे मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा केयरफुली इसका यूज़ करना है। आप चाहें तो इस तरह से नीचे में रख ले कैरेट, उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से पील करें। थोड़ा सा यहाँ पर कैरेट फंस रहा था, बट ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट में देखते रहते हैं लेकिन सारी यूज़फुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ और ये है स्टीमर, और इसे आपने तो शायद देखा ही होगा और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट भी है। और ये मैंने मीशो से मंगवाया था तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक साथ दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसका प्राइस था समथिंग 200 के करीब और देखिए यहाँ पर ये दो मिले हैं मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था दो का मैं क्या करूँगी, 100 के एक पड़े हैं, शायद मैं एक किसी को दे दूँगी। और देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा है, मेरे पास स्टीम करने के लिए कुछ था नहीं, मतलब प्लेट थी एक, तो आप इसे ले सकते हैं मोमोज वगैरह स्टीम करने के लिए, काफ़ी यूज़फुल लगी मुझे तो। और इसके साथ ही यहाँ पर 4 इस तरह से हुक आए हुए हैं, मतलब एक ऊपर लगाने के लिए और 3 नीचे लगाने के लिए ताकि ये अच्छे से कढ़ाई वगैरह में स्टैंड कर सके। देखिए यहाँ पर ये जो हुक है बहुत ही आसानी से मतलब अटैच हो गए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसमें स्टीम करके दिखाती हूँ, वैसे स्टीम करने के लिए कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पर बीटरूट ही स्टीम कर रही हूँ। और इसे आप इस तरह से वापस से कवर कर दें और ढक्कन से ढक दें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बीटरूट वगैरह गाजर जो भी आपको स्टीम करना हो इसमें स्टीम हो जाती है।
तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको इसका यूज है तो आप इसे ले सकते हैं और सस्ता भी है, 100 रुपये का और क्या ही आएगा। और ये मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ लास्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। ये है एक तरह का स्ट्रेनर और इसका यूज़ मैं बताऊँगी। ये काफ़ी यूज़फुल है और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सभी को बाय करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा और यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही क्यूट सा स्ट्रेनर है। जब भी हम मतलब छोले भटूरे के लिए छोले वगैरह बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बिरयानी वगैरह के लिए, तो क्या होता है ना, मसाला वगैरह को पोटली में डालते हैं या फिर ऐसे ही खुला डाल देते हैं ना, तो ये पूरा फैल जाता है, फिर सारा मतलब आपको चून चून करके हटाना पड़ता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप क्या करें, स्ट्रेनर में ही सारी चीज़ें ऐड कर दें, चाय पत्ती या फिर कोई भी खड़ा मसाला जो भी आप डालना चाहते हैं। तो अब मैं इसे भी टेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि ये कुकर का मतलब विसल लगने के बाद कहीं ये खुलबुल तो नहीं जाएगा या फिर फैल तो नहीं जाएगा। तो ये मेरे पास काले चने थे तो मैंने उसी को मतलब सीटी लगा दिया है और आप देख सकते हैं 3-4 सीटी में यहाँ पर मैं इसे खोल रही हूँ और ये बिल्कुल भी इससे मतलब चाय पत्ती वगैरह बाहर नहीं निकली है और ये कितना बढ़िया है, मसाले बिल्कुल भी इसमें मतलब निकलते नहीं है और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है चने का। तो ये आप ले सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे लेकिन मैंने सारे का रिव्यू नहीं किया क्योंकि मुझे लगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इतना ही प्रोडक्ट मैंने शो किया। अगर आपको और देखने हैं तो ज़रूर से बताइए।